गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। बीईसी एकेडमी में यानी बीईसी गेट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। नेटवर्क एनालिसिस में यानी नेटवर्क थ्योरी के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में बेसिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे इसमें देखिए, वोल्टेज। तो सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं वोल्टेज। क्या स्टार्ट करते हैं? वोल्टेज। वोल्टेज क्या स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स? वोल्टेज। तो वोल्टेज है क्या फ्रेंड्स? देखिए, सिंपल से हम लोग एक मीनिंग सबसे पहले दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ये रेजिस्टेंस है, ये एक वोल्टेज वी है, इसको हम लोग बैटरी नाम देते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक यहां पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है से क्यू, इसको नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे मूव कराने में जितना वर्क लगेगा, जितनी एनर्जी हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, दैट एनर्जी इज नोन एज वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो क्या बोलेंगे इसमें देखें, एनर्जी रिक्वायर्ड, वर्क और एनर्जी रिक्वायर्ड, वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड ईएमएफ और वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ का मीनिंग हो गया फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैथमेटिकली जो हमारा वोल्टेज होगा वी ए बी टाइम का फंक्शन, वो सिंपल होगा वर्क डन रेट ऑफ डूइंग वर्क टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, सिंपल ए टू बी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला है पोटेंशियल का यानी वर्क वोल्टेज का। यूनिट कितना हो जाएगा इसमें देखें, यूनिट ऑफ वोल्टेज दैट इज वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू विच इज इक्वल टू जूल पर कूलम विच इज नोन एज वोल्टेज यानी वोल्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल वी, है ना। जूल पर कूलम को हम लोग क्या नाम देंगे? वोल्ट नाम देंगे।
एक सिंपल सा मीनिंग है स्टूडेंट्स, v इक्वल टू w अपॉन q। यदि स्टूडेंट्स हम लोग 1 कूलम ऑफ चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने में यदि 1 जूल का वर्क करना पड़े तो विच कॉन्स्टिट्यूट 1 वोल्ट, क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा इसमें देखिए 1 वोल्ट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या है इसमें बताइए, तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन है टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अगर हमें वर्क करना पड़े 1 जूल तो दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। क्या कहलाएगा इसमें बताइए, 1 वोल्ट कहलाएगा। इस वोल्ट को स्टूडेंट्स जो कि हमारा लिखा हुआ है देखिए जूल पर कूलम, तो इस जूल पर कूलम को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर कूलम, यानी वोल्ट को हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ओके, अब ये जो वोल्टेज हम लोगों ने लिखा है इसमें देखिए VA इंटू बी, यानी VAB सिंपल मीनिंग हो गया VA माइनस VB। VBA का मीनिंग हो गया इसमें कितना देखिए VB माइनस VA। तो हम लोग यहां से स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि VAB इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ VBA, यानी VAB इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ VBA। यानी A का जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव माना जाएगा एंड B का पोटेंशियल क्या माना जाएगा सुन बताइए नेगेटिव। जैसे एक देख सकते हैं यहां पे एक सिंपल सा हम लोग डायग्राम दिखाते हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखें ये इस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं अगर ए, और इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं बी, और यहाँ के पोटेंशियल को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर ले और यहाँ के पोटेंशियल को नेगेटिव, देन यहाँ जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल कितना होगा इसमें बताइए, वो पोटेंशियल होगा वी ए बी, वी ए बी। ओके, वी ए बी। एक और डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं ए और इसको हम लोग कहते हैं बी, इसको मानते हैं पॉजिटिव और इसको मान लेते हैं क्या नेगेटिव, देन इसकी पोटेंशियल हो जाएगा स्टूडेंट्स वी बी ए, बी बी ए, वी बी ए। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा टाइप्स ऑफ वोल्टेज। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ वोल्टेज, टाइप्स ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, वोल्टेज कितने तरह के हैं, दो तरह के। फर्स्ट है डीसी वोल्टेज, फर्स्ट है हमारा डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज यानी सिंपल डीसी वोल्टेज को हम लिखेंगे V इक्वल टू वी नॉट, ये हमारा कहलाया डीसी वोल्टेज। यदि हम लोग एक ग्राफ ले ले, यदि हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर ले तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए डीसी वोल्टेज ये क्या कहलाएगा, देखिए
ये हमारा टाइम, ये v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t जो कि किसके बराबर है, v नॉट के बराबर है, ये हमारा कहलाएगा कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज। अब वोल्टेज दैट इज कांस्टेंट इन टाइम, अब वोल्टेज दैट इज कांस्टेंट इन टाइम, अ वोल्टेज दैट इज कॉन्स्टेंट इन टाइम इज टर्म्ड एज डीसी वोल्टेज। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, सेकेंड एसी वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट है हमारा एसी वोल्टेज। अब ये ग्राफ देख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए एक ग्राफ आप देख लीजिए, यहां पे देखिए फ्रेंड्स, ये टाइम है, ये v एज फंक्शन ऑफ टाइम t है, ये प्लस v नॉट, ये माइनस v नॉट। अब वोल्टेज दैट वेरीज साइनोसॉइडली विद टाइम, यानी साइनोसॉइडली ना करके के इसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, पीरियोडिकली, क्या नाम बोलेंगे, पीरियोडिकली, यानी साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज चेंजेस पीरियोडिकली। कैसे चेंज होता है, पीरियोडिकली चेंज होता है। ओके, बेस्ट एग्जाम्पल होगा हमारा साइनोसॉइडल वोल्टेज, बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, साइनोसॉइडल वोल्टेज। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स पावर के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, अब इलेक्ट्रिक पावर है क्या, तो इलेक्ट्रिक पावर है फ्रेंड्स टाइम रेट ऑफ एक्सपेंडिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी, यानी सिंपल सा मीनिंग है, इसको किस प्रकार से डिफाइन किया गया, डिफाइन किया गया टाइम रेट ऑफ एक्सपेंडिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैथमेटिकली इसे लिखा जाएगा P इक्वल्स टू यानी एवरेज पावर इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा एवरेज पावर है, क्या है, एवरेज पावर। नेक्स्ट है हमारा P as function of time t equals to dw upon dt,
डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। इसे स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है, देखिए डी डब्ल्यू को हम लोग लिख सकते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू इंटू डी क्यू अपॉन डी टी। इसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी अभी जस्ट पढ़ा है, इसे हम लोग कहते हैं वी ऑफ टी यानी वोल्टेज कहते हैं, और इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं आई ऑफ टी, और ये रहा स्टूडेंट्स पी ऑफ टी। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इस पूरे फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। क्या नाम देते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? इंस्टेंटेनियस पावर, यानी पावर इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट एंड द करेंट थ्रू द एलिमेंट। सिंपल सा मीनिंग हो गया, पावर है क्या? द पावर सिंपली प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट एंड द करेंट थ्रू दैट एलिमेंट। जैसे कि देखिए, एक यदि हम लोग एक एलिमेंट ले ले, देखिए कोई एक्स एलिमेंट है, कोई भी एक एक्स एलिमेंट, यहां पे यदि स्टूडेंट्स करंट की वैल्यू, यदि हम लोग वोल्टेज को मान ले वी एंड करंट को मान ले क्या आई, तो पावर अक्रॉस एक्स जो होगा स्टूडेंट्स वो वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? टाइम। वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ओके, अब यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग पावर को दो प्रकार से देखते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग कितने प्रकार से देखेंगे? दो प्रकार से। इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग दो प्रकार से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू पासिंग ऑफ करंट। देखिए यहां पे मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, वोल्टेज है वी, और यहां पे कोई एक्स एलिमेंट में करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर हो रहा है। तो यहां पे क्या लिखते हैं स्टूडेंट, देखिए इफ करंट एंटर्स द सर्किट एलिमेंट एंटर्स द सर्किट एलिमेंट एट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज एंड एग्जिट एट नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल देन पावर इज कॉल्ड एब्जॉर्बिंग पावर एब्जॉर्बिंग
power. And the sign of absorbing power, the sign of absorbing power equal to plus V into I. The sign of absorbing power को हम लोग क्या मानेंगे? Positive. Okay? Next question देखें. Next है, ये हमारा circuit element है देखें. यहां पे इसको हम लोग मानते हैं पॉजिटिव, इसको मानते हैं नेगेटिव. करंट मेरा नेगेटिव पे एंटर हो रहा है एंड पॉजिटिव से क्या हो रहा है? लीव हो रहा है. देन दिस पावर, यानी कि करंट कहां एंटर होगा? करंट का एंट्रिंग पॉइंट है, एंटर करा है कहां पे देखिए? नेगेटिव टर्मिनल पे. एंड करंट लीव कहां से कर रहा है? लीव यानी एग्जिट. एग्जिट कर रहा है कहां पे? पॉजिटिव टर्मिनल. तो ये जो पावर बनेगा, दैट पावर इज कॉल्ड सप्लाइंग पावर. सप्लाइंग पावर, और इसी पावर को हम लोग कहेंगे डिलीवरिंग. डिलीवरिंग पावर एंड द साइन ऑफ डिलीवरिंग पावर इक्वल्स टू नेगेटिव वी इनटू आई. यानी सिंपल, करंट अगर पॉजिटिव पे एंटर किया है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, करंट अगर नेगेटिव पे एंटर किया है तो हम लोग साइन कैसा लेंगे? नेगेटिव. ओके, नेगेटिव साइन आ गया तो वो कहलाएगा डिलीवरिंग पावर, अगर पॉजिटिव साइन आ गया तो वो कहलाएगा एब्जॉर्बिंग पावर. ओके, एब्जॉर्बिंग पावर. अब है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सिंपल सा मीनिंग है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है सुन देखे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मस्ट बी ऑब्वेड इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट. यानी कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हो उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जरूर पालन किया जाएगा. ओके, जरूर पालन होगा. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सा मीनिंग लिखा गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मस्ट बी ऑब्वेड इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मस्ट बी ऑबेड इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट. इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट. सेकेंड पॉइंट क्या कह सकते हैं इसमें देखें, फॉर दिस रीजन इसी रीजन के कारण, फॉर दिस रीजन अल्जेब्रिक सम ऑफ पावर इन सर्किट, अल्जेब्रिक सम ऑफ पावर इन सर्किट at any instant of time must be zero. That is summation of p equal to zero. That is summation of p equal to zero. Okay? तो इसका मीनिंग क्या हुआ देखे, इसका मीनिंग हुआ कि टोटल पावर यहां पे जीरो है, इसका मतलब हो गया पी, समेशन ऑफ पी इक्वल टू जीरो. दिस इंप्लाइज दैट समेशन ऑफ
पी एब्जॉर्ब प्लस समेशन ऑफ पी डिलीवर्ड इक्वल टू जीरो। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी सर्किट में समेशन ऑफ पी एब्जॉर्ब इक्वल टू नेगेटिव ऑफ समेशन ऑफ पी डिलीवर्ड। डिलीवर्ड यानी मैग्नीट्यूड में पावर बराबर होंगे बट साइन क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी किसी भी सर्किट में एब्जॉर्ब पावर का सम इक्वल होगा डिलीवर्ड पावर के सम के। ओके, सिंपल सा बेसिक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सिंपल से देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पावर को क्या लिखा, इलेक्ट्रिकल पावर को लिखा पी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो यहां से फ्रेंड्स डी डब्ल्यू जो निकल के आएगा वो कहलाएगा पी ऑफ टी इंटू डी टी। यदि फ्रेंड्स इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। तो एनर्जी का स्टूडेंट सिंपल फॉर्मूला हो गया एनर्जी इक्वल्स टू पी ऑफ टी इंटू डी टी ओवर द टाइम पीरियड टी वन टू टी टू, ओवर द टाइम पीरियड टी वन टू टी टू। तो हम लोग एनर्जी को किस प्रकार से डिफाइन कर लेंगे स्टूडेंट्स, एनर्जी को डिफाइन कर लेंगे कि एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क, एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क, एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क। क्या लिख लेंगे स्टूडेंट बताइए, एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग वर्क। ओके, एनर्जी का यूनिट क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स, तो यूनिट ऑफ एनर्जी हो जाएगा हमारा जूल। जूल एक बात और लिखा जा सकता है इसमें, देखे प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स यूनिट विच इज इक्वल टू 1 kWh विच इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल, 10⁶ जूल। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट है क्या फ्रेंड्स, देखिए तो हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। सर्किट एलिमेंट है किसी भी सर्किट का बेसिक, किसी भी सर्किट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। An element is the basic building block of circuits. An element is the basic building
बेसिक बिल्डिंग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सर्किट, एन एलिमेंट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सर्किट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये जो होता है स्टूडेंट्स सर्किट एलिमेंट, वो होता है हमारा टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस, टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस। एग्जांपल के तौर पे क्या क्या है देखिए, एग्जांपल के तौर पे हम लोग डाल सकते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर, वी इक्वल्स टू आई इंटू आर, सिंपल सा फॉर्मूला वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। यानी यहां से अगर कोई करंट हमारा कितना चल रहा हो देखिए, अगर कोई हमारा करंट चल रहा हो आई, तो यहां जो वोल्टेज डेवलप हो जाएगा वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। ओके नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटेंस सी प्लस माइनस बी, यहां से कोई क्यू चलेगा, यहां से देखिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला हो जाएगा क्यू इक्वल टू सी इंटू वी, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम लोग डाल सकते हैं देखिए इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इंडक्टेंस क्या है इसमें देखें, ये प्लस माइनस यहां पे ई, इसी को हम लोग वी द्वारा भी रिप्रेजेंट करेंगे। और सिंपल यहां पे जो करंट का चेंज हो रहा है वो कितना है देखिए, करंट का फ्लो है आई, तो आई इंटू डीएल अपॉन डीटी, एल इंटू डीआई अपॉन डीटी, एल इंटू डीआई अपॉन डीटी, एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। तो सिंपल यहां पे स्टूडेंट्स वी इक्वल टू हो गया एल इंटू डी आई अपॉन डी टी, एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। ओके करंट एलिमेंट में स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग डाल सकते हैं सोर्स को, सोर्स एंड सोर्स को हम लोग कितने हिस्से में डिवाइड करके चलेंगे, सोर्स को हम लोग डिवाइड करके चलेंगे दो हिस्से में, वन होगा हमारा, वन होगा हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स एंड दूसरा होगा डिपेंडेंट सोर्स। सोर्स को स्टूडेंट्स हम लोग कितने हिस्से में डिवाइड करेंगे देखिए, सोर्स को हम लोग डिवाइड कर लेंगे, सबसे पहले एक हो जाएगा हमारा वोल्टेज सोर्स, एक होगा हमारा करंट सोर्स इसमें भी स्टूडेंट्स हम लोग दो हिस्से में डिवाइड कर लेंगे इसको, एक हिस्सा होगा हमारा यानी सोर्स को भी हम लोग स्टूडेंट्स कितने हिस्से में डिवाइड करें देखे, दो हिस्से में कौन कौन से देखे, वोल्टेज सोर्स को एक हम लोग नाम देंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स, एक को नाम देंगे हम लोग प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे नाम देंगे एक आइडियल करेंट सोर्स, एक नाम देंगे प्रैक्टिकल करेंट सोर्स। और ये दोनों वोल्टेज सोर्स और करेंट सोर्स दो तरह के होंगे, एक होगा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स
एक होगा डिपेंडेंट सोर्स। इसके बारे में स्टूडेंट्स हम लोग डिटेल में अपकमिंग लेक्चर्स में इसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अपकमिंग लेक्चर्स में एग्जांपल में हमारा सोर्स हो गया। देखिए अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग इन सारे सोर्सेस के बारे में कवर करेंगे। ओके, ये सारे वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स आप सबको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।